अरे ये रखो रखो। क्यों क्या हुआ? अरे माँ अपने लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, आज अपना अमित सीईटी पास हो गया, अब सबसे बड़ा डॉक्टर बनेगा। सच्ची? हाँ भैया। देखो माँ कौन आया है। अरे बेटा अमित तू आ गया। बेटा कैसा है तू? अच्छा हो। पढ़ाई कैसे चल रही? अच्छी चल रही है। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या है? कुछ नहीं है। दिखाओ। चलती रहती, हो जाएगा ठीक। खांसी में खून आना आम बात नहीं है भैया, हमें सिखाया गया है अगर आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी है और खांसी में खून आता है तो आपको टीबी भी होता है। क्या टीबी? नहीं बेटा तू आज ही डॉक्टर के पास जा। हाँ भैया हम अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। देखो सागर हो, जैसे आपने बताया कि आपको दो हफ्ते से खांसी है, खांसी में खून निकल रहा है, गलावट बना आ रहा है, खाना नहीं खा रहा है, इसके लिए मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के देता हूँ, वो आप तुरंत करवा लीजिए जिससे हमें हमारा कंफर्म डायग्नोसिस मिल जाएगा। ओके थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो सागर बाबू की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें टीबी है। सर फिर देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, टीबी का इलाज 100% मुमकिन है, सिर्फ मैं जो दवाइयां देता हूँ वो आप प्रॉपर समय पर लीजिए और पूरी दवाइयां लीजिए, पूरा डोज लीजिए। सर मेरा भाई ठीक हो जाएगा ना? अरे हाँ 100% ठीक हो जाएगा, पर सागर को पूरी दवाइयां लेनी पड़ेगी। जी सर। अरे बेटा तेरी दवाइयाँ तो वैसी की वैसी है, तूने तो अपनी 15 दिन से दवाइयाँ भी नहीं ली, तुझे ठीक नहीं होना क्या? अरे माँ मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दवाई लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
क्या हुआ? अमित, आई कैन अंडरस्टैंड, पर सागर भाई जैसे हमारे देश में ऐसे लाखों इंसान हैं जो कि टीबी का पूरा डोज ना लेने के कारण जिनकी तबीयत खराब होती है। लेकिन आपने तो कहा था कि मेरा भाई ठीक हो जाएगा। देखो अमित, एक्चुअली क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल और सेंसिटिव टीबी पेशेंट का इलाज बहुत ही सरल होता है, जिसमें हम 6 महीने का डोज देते हैं और इससे 90% पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। सर, सेंसिटिव पेशेंट मतलब क्या सर? सेंसिटिव पेशेंट मतलब हमारे पास अभी 4 फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कि हम टीबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो ड्रग्स है ये हमारे बॉडी में जाके जो टीबी के कीटाणु हैं उसे मार डालती है, और ये ड्रग की खासियत ऐसी है कि ये बहुत ही लेस टॉक्सिक ड्रग्स है, बहुत ही किफ़ायदार है और सस्ते में है। इनफैक्ट सभी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है इंडिया के, ये थेरेपी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। एक ही केस में ऐसा क्यों हुआ? अमित, तुम्हारा भाई एमडीआर टीबी का शिकार था। पूरे दुनिया में हमारे भारत में सबसे ज़्यादा एमडीआर टीबी के मरीज हैं। सर, ये एमडीआर टीबी क्या होता है? एमडीआर टीबी आसान भाषा में बताया जाए तो हमारे पास टीबी के 2 मेन ड्रग्स होते हैं, आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन। जब ये दोनों ड्रग्स को पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब जब ये दोनों ड्रग्स बॉडी में जाते हैं और वो टीबी के कीटाणु को मार नहीं पाते हैं, तो हम कहते हैं वो पेशेंट को एमडीआर टीबी है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है। अब टीबी और ज़्यादा ताकतवर हो गया है और इसका ट्रीटमेंट है पूरा 2 साल का कोर्स, और ये जो ट्रीटमेंट देते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सेकेंड लाइन ड्रग्स। दे आर 20 times मोर टॉक्सिक और वो 500 times मोर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो जाती है। इसलिए वो इतना टॉक्सिक होती है वो ड्रग्स कि पेशेंट आधे बीच में ही अपना इलाज छोड़ देता है। और हमारे कंट्री का मेन ड्रॉबैक ये है कि हमारे कंट्री में ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीटमेंट नहीं मरते ज़्यादा पेशेंट, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस ज़्यादा पेशेंट मरते। ऐसे पेशेंट्स की हम चाहकर भी मदद नहीं कर सकते। सर, फिर इन पेशेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? द ओनली सॉल्यूशन इज अवेयरनेस। हाँ, हम स्कूल और कॉलेजेस में भी जा सकते हैं। हम स्लम्स और हॉस्पिटल्स में भी जाएंगे। हम पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे और वहाँ पे कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ सर, हम सब लोगों में टीबी का अवेयरनेस फैलाएंगे। बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो अंधेरा छावे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।